बनारस मूवी देख के आई हो, कैसी लगी आपको? हाँ जी, मैंने बनारस मूवी देखी और वो बहुत ही अच्छी है। बस तो मैं 2 मिनट थोड़ा सा लेट हो गई थी पहुँचने में, तो मैं बिगिनिंग उसका नहीं देख पाई, लेकिन वो मिस कर गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मिस हो गया है, बट जहाँ तक मैंने अभी तक देखी है ना, बहुत ही अच्छी मूवी है। और ये फैमिली के साथ भी देखने वाली मूवी है, जो आप फैमिली के साथ भी जा कर के देख सकते हो। और पूरा इसे बनारस पूरा दिखाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। और जस्ट ये एक लव स्टोरी है, जो मतलब शुरुआत में एक लड़का रहता है बहुत ही मतलब दोस्तों के साथ में, जैसे आजकल के यंगस्टर रहते हैं वैसा रहता है, फिर अपने दोस्त से जा कर के वो शर्त लगाता है और जाके एक लड़की के साथ वो पिक्चर क्लिक करके और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है और वो वायरल हो जाती है। उसकी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो जाता है बाद में बनारस, पूरा उसको ढूंढता है, ढूंढ के बाद में उसको जब वो मिल जाती है तो उसे माफ़ी मांगता है, और फिर दोनों के बीच एक लव स्टोरी हो जाती है और बहुत ही अच्छा है एंड तक। बनारस का नाम सुनते ही काफ़ी कुछ मन में आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बनारस, वैसे मैं बिलोंग करती हूँ लखनऊ से, और मैंने भी शूटिंग की है बनारस में, और रिसेंट मैं 15 तारीख को फिर जाने वाली हूँ एक बनारस मूवी के लिए, मतलब बनारस में शूट करने के लिए एक नई फिल्म है। सो आप लोग देखिए बनारस मूवी, सबसे पहले आप लोग जाके बनारस मूवी देखिए, जो कि बहुत ही इमोशन है, ड्रामा है और बहुत ही लव स्टोरी बहुत ही अच्छी है। गाने की बात करें तो हर मूवी गाने काफ़ी इम्पोर्टेंट। हाँ, गाने काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो गाने हैं ना, वो मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डांस स्टेप है ये वो, बट एक गाना है जो अपने दोस्तों के साथ उसने इन्जॉय किया, पार्टी सॉन्ग है, और उसके बाद लड़की के साथ जो रोमांस वाला सॉन्ग है, आई लव इट। बात करें स्टार की, तो 5 में से कितना स्टार देना चाहूँगी? मैं 5 में से तो 5 ही स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगी मुझे मूवी। थैंक यू सो मच। खुश लग रहे हैं आप अभी? हाँ, बनारस देख के आ रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी लगी है, अच्छी मूवी है। समझो के यहाँ बैठे बनारस देख लिया हमने। क्या बात है। हाँ, बनारस का लोकेशन बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा। गाने की बात करें, गाने किसी की इस मूवी में अच्छे मस्त पिक्चर। स्टार की बात करें आप लोगों से, तो 5 में से दोनों का ओपिनियन बताइएगा, 5 में से कितना? फाइव। कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस? नहीं, बहुत अच्छी मूवी है, देखना जरूर, देखो बहुत अच्छी मूवी, फैमिली पिक्चर है, मजा आएगा सब। और मैसेज है इसमें, बहुत बढ़िया मैसेज है यंगस्टर के लिए। बनारस अच्छी है, और कुछ सस्पेंस उसमें एडेड है, और हीरो की जो हीरो है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और गाने भी बहुत अच्छे हैं। बात करें बनारस की, बनारस नाम सुनते ही काफ़ी कुछ मन में आया, तो इसमें लोकेशन कैसी है? और लोकेशन पूरे बनारस का उन्होंने लिया हुआ है, और जो रवि रिवर है और उसके ऊपर ज़्यादा शूट वही लोकेशन का है। हर मूवी में गाने काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें सॉन्ग्स कैसे अच्छे हैं सॉन्ग्स? लेकिन मुझे अच्छे लगे, लेकिन मेरे को थोड़ा एक्चुअली हिंदी मूवी नहीं है ना, तो थोड़ा वो लिप सिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी अच्छी मूवी है। बात करें स्टार्स की, तो 5 में से कितना स्टार देना चाहते हैं? स्टार्स 5 में से 4। हेलो, यू शुड वॉच दिस काइंड ऑफ मूवी, मतलब थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द रेगुलर मूवी, अच्छी है। थैंक यू। बनारस मूवी अभी भी आप देख के आ रहे हो? हाँ, अमेजिंग मूवी, बहुत अच्छी थी मूवी। और कैसे लगे दोनों की लव स्टोरी? बहुत अमेजिंग थी, कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, सस्पेंस भी बहुत अच्छा था, और बहुत मज़ा आया। किस तरह की स्टोरी कुछ बताना चाहिए? लव स्टोरी थी और सस्पेंस था। और गाने की बात करें तो साउंड कैसे थे? सॉन्ग्स अमेजिंग थे, एक माँ के ऊपर गाना था विच वॉज रियली अमेजिंग, तो गाने बहुत मस्त थे। बनारस का लोकेशन था, ऊपर काफी मुझे वो रिवर अच्छा लगा बेसिकली, और उसके साथ टेंपल्स और जितने भी लोकेशन थे बहुत अमेजिंग थे। स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना? 5 out of 5। थैंक यू। आप अभी अभी बनारस देख के आ रहे हो, कैसी लगी आपको पिक्चर? बनारस मुझे बहुत बढ़िया लगी है, फर्स्ट क्लास फिल्म है, काफ़ी एक सस्पेंस भी दिखाया था, एक टाइम ट्रेवलर के बारे में दिखाया कहानी, और लव स्टोरी बहुत प्यारी है, लोकेशन बहुत प्यारी है, शूट बहुत अच्छा किया है।
हीरो और हीरोइन दोनों का बेस्ट लगा मुझे, बहुत प्यारे लगे कपल। सॉन्ग भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें, अभी लास्ट में जो गाना चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टार की बात करें तो पांच में से कितना स्टार देना? मैं तो पांच में से पांच ही देना चाहूँगा, फिलहाल बहुत अच्छी फिल्म है, सीरियसली। क्या सुपर मूवी, जस्ट ऑसम मूवी, एंड जो इसमें टाइम जोन का जो फैक्टर दिखा है दैट इज़ ऑसम एंड दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और ईच एंड एवरी वन देखने जाए, और बनारस के घाट के बारे में जो बताया बहुत क्लियरली शो किया है, और बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। स्टार की बात करें पांच में से कितना स्टार देना चाहोगे? 4.5। बनारस की बात करें तो आप अभी बनारस देख रहे हो, क्या कुछ कैसी लगी पिक्चर? अच्छी मूवी थी, इंटरवल से पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इंटरवल के बाद काफ़ी एक्साइटिंग हो गया और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। लास्ट में अच्छा एंड था, बट बार बार जो टाइम चेंज हो रहा था ना, तो हम लोग भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, और एकदम थ्रिलिंग स्टार्टिंग में लव स्टोरी थी और लास्ट में थ्रिलिंग टाइप की। म्यूजिक की बात करें, किस तरह की म्यूजिक? म्यूजिक अच्छा था, सॉफ्ट म्यूजिक भी था और अच्छा भी था। मुझे 5 out of 5 मुझे बहुत अच्छी लगी। बनारस की बात करें, आप अभी अभी बनारस देख रहे हो, कैसी लगी आपको? अमेजिंग मूवी, अमेजिंग पिक्चराइजेशन एंड जो कॉन्सेप्ट लिया है टाइम लैप पे, अमेजिंग। हाँ, यानी बनारस और ये मूवी लाइक एकदम अलग ही, नाम बनारस है लेकिन सच्ची में जो अपने पाप किए हुए है या कुछ भी है, लाइक जो अपोलॉजी का उसने कॉन्सेप्ट किया है, और उसके बाद जो मूवी का सेकेंड हाफ अमेजिंग है, जो टाइम लैप पे हीरो हीरोइन के लिए है अमेजिंग, दे हैव डन दी एक्टिंग आल्सो वेरी फैबुलस। गाने की बात करें, म्यूजिक कैसी थी इसमें, साउंड कैसे थे? एकदम ऐसे लग रहा था कि बस हम लोग देखते जाए, अरे नेक्स्ट क्या होगा। मूवी पिक्चराइजेशन, सॉन्ग, एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुली कंसेप्ट। काफ़ी इम्प्रेस लग रही हो आप मूवी से, कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो? मुझे वो टाइम लैप वाला, जो हीरो को एक से बाद एक के बाद जो वही सेम रिपीट हो रहा था, दैट वाज रियली फैबुलस। जो वो कॉन्सेप्ट लिया है जो आजकल की मूवीज में हो ही नहीं रहा है, तो वो वेब सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मूवी में डाला हुआ है, एकदम पकड़ के रखा हुआ है ऑडियंस को। स्टार की बात करें तो पांच से कितना स्टार देना चाहेंगे? और डेफिनेटली 5 out of 5। काफ़ी खुश लग रहे हो, बनारस देख के आ रहे हो, कैसी लगी आपको ये पिक्चर? क्या बनारस मूवी के बारे में एक वर्ड बोलूँगा, मास्टरपीस। जब से इसका ट्रेलर आया था मैं बहुत एक्साइटेड था मूवी को देखने के लिए, और फर्स्ट टाइम इन्होंने डेब्यू किया और डेब्यू और पैन इंडिया, वाह क्या बंदा है भाई, मानना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट मूवी उन्होंने पैन इंडिया रिलीज़ किया, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के रिलीज़ किया पैन इंडिया। इस मूवी की कॉन्सेप्ट अच्छी है। फर्स्ट आपकी बात करें तो जिस तरीके से सीड और इनकी हीरोइन जो है सोनल मैम, दोनों की जो लव स्टोरी बताई है बहुत अच्छे तरीके से बताई है। बीच बीच में मूवी थोड़ी सी लगती है ऐसी कि स्लो है, बट मूवी को पकड़ के रखती है। दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से बताई है, दोनों मुंबई के रहने वाले, जिस तरीके से वो बनारस चले जाते हैं, उसके बाद जो बनारस का फोकस दिया, पूरी मूवी बनारस में शूट किया इन्होंने, पूरी मूवी ऑल, सिर्फ शुरू का 10 से 15-20 मिनट ओनली मुंबई का शूट है, बट पूरी की पूरी मूवी बनारस में शूट किया। दोनों की लव स्टोरी काफ़ी अच्छी, लेकिन जैसे ही इंटरवल होता है वहाँ पर जो ट्विस्ट आती है ना भाई, मतलब कि आप सेकेंड हाफ के लिए रुक ही जाओगे, बोलोगे यार आप इतने अच्छे ट्विस्ट पे इंटरवल हुआ है, सेकेंड हाफ कैसा होएगा। तो सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होती है ना, जो हिसाब से उन्होंने फास्ट वगैरह दिखाया ना, सुपर दिखाया, क्या बात है, मतलब लग ही नहीं रहा कि इनका डेब्यू मूवी है, जिस तरीके से इन्होंने एक नेचुरल एक्टिंग की है। और एक्शन सीन्स है दो जगह पे, बहुत अच्छे तरीके से फाइट सीन्स भी है। साउथ की मूवी है तो जाहिर सी बात है, लव स्टोरी हो या एक्शन मूवी हो, उसमें थोड़ा सा फाइट सीन होना जरूरी है, तो वो साउथ की मूवी नहीं कहलाती है। स्टार की बात करें तो पांच में से कितना स्टार देना चाहोगे? मैं इस मूवी को दूंगा 4 स्टार। और ऑडियंस से कुछ बोलना चाहोगे? ऑडियंस से मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक अच्छी लव स्टोरी मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देखो, बनारस जो कि टाइटल है, बहुत अच्छी तरीके से लव स्टोरी बताई है मूवी का। दोनों हीरो नए हैं तो इनका काम भी आपको अच्छा लगेगा, ये बोलूँगा। थैंक यू।